जनता की आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। घटना जनपद बरेली के थाना बिथरी चैनपुर की है। प्रार्थिनी तारावती पत्नी चिरौंजी लाल निवासी ग्राम आलमपुर गजरौला थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली की मूल निवासी है। दिनांक 27 अगस्त 2024 को समय लगभग 10 बजे प्रार्थिनी गांव के मंदिर में अपनी बहनोत बहू ममता के साथ पूजा करने गई थी। पूजा करके जब प्रार्थिनी अपने घर के लिए वापस जा रही थी तो गांव के ही सुनील व सुमित पुत्र गण धनीराम व ओमवती पत्नी रीतराम व शालिनी पत्नी सुनील ने अपने घर के सामने प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहनोत बहू ममता को रोका और जगह खरीदने को लेकर आपस में कहां सुनी हो गई। कहां सुनी होने के बाद उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहनोत बहू ममता को लाठी डंडों व लात घुसों से मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए घर में चले गए। मारपीट में प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहनोत बहू ममता के शरीर पर खुली व गुम चोटें आई है। मूल विवाद भूमि का है जो डी विपक्ष द्वारा पीड़िता वो बेची गई थी। पीड़िता के पास बैनामा दाखिल तारीजादी के समस्त प्रपत्र मौजूद है किंतु विपक्ष भूमि का कब्जा नहीं दे रहा है और भूमि का बैनामा वापस करने का दबाव बना रहा है, जिसमें फर्जी केस में फंसाने डराने धमकाने आदि की कोशिश की जा रही है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरौंजी लाल कश्यप। चिरौंजी लाल जी कहाँ रहते हैं आप? ग्राम आलमपुर गजरौला। थाना कौन सा है आपका? बिथरी चैनपुर। क्या हुआ था आपके साथ बताइए। हमारे साथ साहब ओमवती ने हमारे लिए जमीन का बैनामा कराया था जगह का जी। ओमवती कौन है ये? ये ओमवती मौर्य है, आलमपुर की लड़की है, गाँव की। ठीक है। फिर उसने बैनामा कराने के बाद फिर एक साल के बाद हमने उस पर जब कब्जा करना शुरू किया तब वो विवाद बना रही थी। आपके पास कब्जा था बैनामा जो कराया था? बैनामा जब कराया था तब कब्जा नहीं था उसमें। फिर बायनामा होने के बाद उसने जब हम कब्जा लिया तो हमें कब्जा दे दिया उसने। कब्जा देने के बाद हमने उसमें किरायादार रख दिया, तो थोड़े बीच में टीन पड़ी हुई है। ठीक है। किरायादार हमारा 2-3 महीने से रह रहा उसमें बराबर। ओमवती को उसका पति वो है क्या नाम धनीराम के साथ वो रह रही है। अपना पति उसने मारपीट करके भगा दिया है। अच्छा। धनीराम के साथ रह रही है। धनीराम कहाँ कौन है? धनीराम गाँव का ही लड़का है। अच्छा। वो उसी के जगह में रहता है ओमवती के। अच्छा अच्छा। मकान में ही। तो क्या धनीराम शादीशुदा था या कुंवारा लड़का था? धनीराम के चार बेटे हैं। चार बेटे हैं। बेटे की बहू भी है घर पे। ठीक है। फिर तो वो सब लोग हमारे लिए जब हम वहाँ पर गए थे तो किरायेदार को हमारे भगा रही थी निकाल के। इस ओमवती ने मिलकर दोनों लोगों ने सलाह किया कि इनके किरायेदार को भगाओ। वो भगाने में तैयार हुए, हम पहुँचे वहाँ पर, हमने पूछा किरायेदार क्यों भाग रहे हैं। बोले जी हमें गालियाँ देते हैं उल्टा सीधा। एक बार टीन इन्हें उतार ली ऊपर से, जिस टीन में वो रह रहा था तो उसका सामान भी फेंक दिया था। हमने थाना प्रभारी को फोन वो वहाँ जाके तहरीर दी। वो लोग आए, उन्होंने मुआयना किया, मुआयना करके वो उन्होंने टीम दोबारा रखवा दी उस पर। वो उसमें रहता रहा। बोले जब तक ये मैटर ना निपटे तब तक ये इसी में रहेंगे। हम लोग वहीं रहने लगे। इसने क्या किया, दोबारा फिर उससे झगड़ा किया। जब झगड़ा किया तो हमारे किराएदार से झगड़ा किया। हाँ, मुझसे बोला सामान निकाल, उसका आधा सामान निकाल के बाहर रख दिया। फिर वो हमारे पास आया, बोला भाई वो नहीं माननी हमें, चलो ठीक है तुम अपना सामान निकाल लो। क्या तारावती ने अकेले ही ये काम किया या और भी कोई शामिल था? नहीं, जब तारावती ने ये बात का बाकी है, पहले का बाकी बता रहा हूँ जो किराएदार के साथ हुआ। नहीं, किराएदार का सामान अकेले निकाला गया है? कौन कौन थे जिन्होंने सामान निकाला? किराएदार का सामान, किराएदार जो मौजूद दोनों मियाँ भी थे वो निकाल रहे थे और साथ में इसके बच्चे थे धनीराम के। अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब समस्या ये है, उसका सामान निकाल के हमने बाहर कर दिया, वो चला गया। हमने अपना सामान रख दिया सर उसमें। सामान रखने पर हमारा सामान रखा गया तो उसने 100 नंबर बुलाई। 100 नंबर वाले आए, उन्होंने हमसे पूछा तुम्हारा क्या मैटर, हमने सा हमारे पास बैनामा है, हमारा किराएदार रह रहा, हम फिर तो उसमें अपना सामान रख रहे हैं। भाई किराएदार चला जाए, मकान मालिक मकान थोड़ी छोड़ देगा। फिर हम उसमें साहब अपने सामान रख रहे थे, ये मना करने लगे। इसी में हज्जतबाजी हुई तो 100 नंबर वाले बोले दोनों लोग थाने जाओ। हम थाने जाके हम भी तहरीर दे आए, वो भी तहरीर दे आए। तहरीर देने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इतवार का दिन चला गया, सोमवार का चला गया, मंगल की रात को उसने हमारा ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के धनीराम ने अपनी पुतबहू उसमें निटाल दी, हमारे तखत पे, हमारे बिस्तर पे जी। उस चीज़ को लेकर सुबह को हमारी पत्नी आ रही थी पूजा करने थान पे, वो वहाँ से गुजर रही थी और उसके साथ में हमारी एक रिश्तेदारनी थी, वो भी मंदिर पर गई थी पूजा करने। जब वो वापसी दोनों लोग आ रहे थे तो वो कहने लगी मौसी घर की जगह कहाँ तक है। वो बताने के लिए गई, अंदर देखा तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ था, उसमें खुला हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ताला डलवा के गए परसों, ये ताला कैसे टूटा? इसने में जो लोग बोले ये ताला हाई गई मारने पीटने, उसको गालियाँ देने लगे उल्टी सीधी हमारी घरवाली तारावती। जब गालियाँ देने लगे तब वहाँ से बच्चे भाग के आए, बोले चाचा तारावती आपकी वाइफ है? हाँ, हमारी वाइफ है तारावती। वो उन्हें गालियाँ देने लगे तब बच्चों ने बताया वहाँ झगड़ा हो रहा है। क्या चोट आई तारावती को? तारावती को चोट नहीं आई, वो गिरने पे उनके लाते घूसे कान में मारा है, तो कान में दर्द है और कान का इलाज चल रहा है। अंदरूनी चोट है? अंदरूनी चोट है, सिर में भी चोट है, सिर में। पुलिस को सूचना करी? पुलिस को सूचना भी की थी, 100 नंबर भी आई थी। उन्होंने कहा थाने जाओ, हम लोग थाने गए तो उन्होंने मेडिकल हुआ। हाँ, मेडिकल भी हुआ है। अच्छा। उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया कान के लिए, तो हम वहाँ भी गए। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर, हमें रोज़ ये लड़ाई नहीं लड़ मिलेगी। हमारा
कानूनी कार्रवाई से हमारा फैसला कर दिया जाए, जिससे हमारी जगह जो हमने खरीदी है, पैसा दिया है, वो जगह हमें मिल जाए। आपने पूरा पैसा क्लियर कर दिया? पैसा पूरा क्लियर पहुँच चुका है। ठीक है।